दोस्तों, देवों के देव महादेव सीरियल में शिवजी का किरदार निभाते नजर आ चुके अभिनेता मोहित रैना के तलाक की खबरें आग की तरह फैल रही थी। जहां अब तक मोहित रैना ने इन सभी खबरों पर अपनी चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन अब मोहित रैना सबके सामने आए हैं और अपने तलाक की बातों पर चुप्पी तोड़ी है। जी हाँ, पर आखिर मोहित रैना ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए क्या बातें कही हैं? आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। अगर जानना चाहते हैं आप भी कि क्या कहा है मोहित रैना ने, तो जुड़े रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टीवी इंडस्ट्री में शिवजी की पहचान बना चुके अभिनेता मोहित रैना ने अदिति से गुपचुप तरीके से जनवरी 2022 को शादी रचाई थी। जी हां, मोहित रैना ने राजस्थानी शादी की झलकियां सोशल मीडिया पर भी अपलोड की थी। इन फोटोज के साथ रैना ने कैप्शन में लिखा था, प्यार किसी भी बाधा को नहीं पहचानता, ये बाधाओं को पार करता है और अपनी मंजिल पाता है। इसी उम्मीद और माता पिता के आशीर्वाद से हम एक हो गए हैं। इस नए सफर में आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है, अदिति और मोहित। जहां बीते दिनों से देवों के देव महादेव में महादेव के किरदार से नेम फेम पाने वाले मोहित रैना लगातार खबरों में छाए हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहित की शादीशुदा जिंदगी में सब ठीक नहीं चल रहा। सभी का कहना था कि मोहित रैना और अदिति बहुत जल्द तलाक लेने वाले हैं, लेकिन इन सभी बातों पर मोहित रैना ने अब तक चुप्पी साधी हुई थी। तो वहीं अब मोहित रैना ने इन खबरों पर चुप्पी तोड़ दी है। हाल ही में एक मीडिया हाउस से बातचीत में मोहित ने सभी खबरों को गलत बताया है। खबरों पर चुप्पी तोड़ते हुए इन्होंने कहा, ये खबरें निराधार हैं। मैं वास्तव में नहीं जानता कि ये कहां से शुरू हुआ। इसे सबसे पहले एक न्यूज वेबसाइट से चलाया था, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जहां तक मेरी और अदिति की बात है, हम खुशी खुशी शादीशुदा जिंदगी बिता रहे हैं और अभी हम हिमाचल प्रदेश में अपनी शादी की पहली सालगिरह मना रहे हैं। मोहित और उनकी पत्नी अदिति सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कयास लगाए जाने लगे कि दोनों के रिश्ते में खटास आ गई है। तब मोहित से इस बार पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अदिति इंडस्ट्री से नहीं है और उन्हें इस तरह का अटेंशन पसंद नहीं है। वेल दोस्तों, मोहित रैना के इस बयान से आप कितने सेटिस्फाइड हैं? क्या आपको अब भी लगता है कि मोहित रैना और अदिति का तलाक होने वाला है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।